ਤੇਨੂੰ ਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਖਦੇ ਆਂ ਔਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੰਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਸ ਜੂਮ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿਓ ਨਿਰਾ시 ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਨਬੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਡਲ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਲੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜੂਮ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ब्रदर जगदेव मुझे जरा हाईलाइट कर दें ब्रदर uh, मैंने कर दिया पहले नहीं हुआ है <laughs> नहीं हुआ <laughs> नहीं नहीं अभी मेरा इमेज स्टैम्प साइज में आ रहा है uh, अभी हो गया <laughs> <laughs> नहीं हुआ ब्रदर आ, uh, एक मिनट अभी uh. uh. <laughs> हो गया आ, अभी हो गया ओके okay, ओके आज परमेश्वर ने इस तरह से एक और मौका मुझे दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार गुजार पुरुष और स्त्री और मंडली ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कलिसिया शब्द के बदले मैं मंडली शब्द का उपयोग इसलिए करता हूं कि कलिसिया किस देश प्रदेश की भाषा है हिंदुस्तान की किसी भाषा में इस तरह का कोई शब्द नहीं है और जब हिंदुस्तान की भाषा में एक अच्छा शब्द है मंडली तो हम विदेशी शब्दों को उपयोग से बचे इसलिए मैंने मंडली शब्द का उपयोग किया है पुरुष और स्त्री और मंडली हमने पिछले दो दिनों में इसको बहुत अच्छी तरह से देख लिया कि पुरुषों से पुरुष ब्रदर सभी को ऑफ कर दें या yeah, ओके okay. मैं फिर अपने आप को ऑन कर लूंगा ओके okay. yeah. परमेश्वर ने आदिन की वाटिका से ही पुरुष और स्त्री की जब सृष्टि की तब दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां देकर उनकी सृष्टि की जो लोकल चर्च है या प्रादेशिक मंडली या स्थानीय मंडली उसमें पुरुष भी होते हैं स्त्री भी होते हैं बच्चे भी होते हैं उद्धार पाए हुए बच्चे और युवा भी होते हैं लेकिन हमारा विषय पुरुष और स्त्री और मंडली है इसलिए आज मेरा मेन फोकस उद्धार पाए हुए पुरुषों और स्त्रियों पर होगा क्योंकि पुरुषों और स्त्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उससे थोड़ी सी हटके है बच्चों की और जवानों की जिम्मेदारी मैं इन चीजों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं सिर्फ पुरुष और स्त्री के बारे में बोलूंगा हमें दो चार बातें बैकग्राउंड के रूप में समझ लेनी चाहिए पहली बात पुरुष और स्त्री परमेश्वर की नजर में बराबर हैं। जब से सृष्टि हुई है तब से पुरुष और स्त्री एक बराबर हैं। दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों का मतलब ये नहीं है कि उसमें से एक बड़ा है या एक छोटा है इस बात को बहुत गंभीरता से भारतीय मसीही समाज को समझ लेना चाहिए क्योंकि भारतीय मसीही समाज जहां पर एक समय लोग इस बात को समझते थे वे लोग 2000 साल की गुलामी के बाद ये भूल गए हैं खासकर मुगलों की गुलामी जहां स्त्रियों का, का मूल्य गुलामों से अधिक नहीं होता था उसके बाद अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी जहां स्त्री को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था उसके बाद जो यूरोपियन मिशनरीज है जर्मन नहीं जो ब्रिटिश मिशनरीज ब्रदर मिशनरीज भारत में आए इनमें से ज्यादातर लोग स्त्री विरोधी थे इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए आ, मैं पूरी जानकारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें से बहुत सारे ब्रिटिश मिशनरी से मेरा डायरेक्टली पाला पड़ा है इन ब्रिटिश मिशनरीज ने जानबूझकर तमाम सारे हिंदुस्तानियों को अपने तलवे चाटू बना लिया और इन तलवे चाटू भारतीय जो प्रचारक हैं, इन्होंने स्त्रियों की और अधिक निंदा करके स्त्री को दासी का स्थान देने के लिए एडवोकेट किया है ये कल की पृष्ठभूमि है स्त्री को दासी का स्थान देने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे जो काम किए हैं उसमें से एक दो मैं क्विकली याद दिला देना चाहता हूं जिससे यदि कोई भाई या बहन आज पहली बार आया हो तो वे लोग इस बात को समझ लें कि स्त्री को दासी का स्थान देने के लिए पहला काम उन्होंने किया स्त्री को नौकरी नहीं करनी चाहिए वे भारत वे ब्रिटिश प्रचारक जो ये कहते थे उनके घर में छह छह सात सात औरतें काम करती थी उसमें कोई गुनाह नहीं है उनके तलवे चाटू जो भारतीय प्रचारक यही बात कहते हैं उनमें से हर व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इनमें से हर व्यक्ति की वार्षिक आय पच्चीस लाख रुपए से ऊपर है जिस आदमी की इनकम पच्चीस जिस प्रचारक की उम्र पच्चीस लाख से ऊपर है जिसकी आमदनी उसकी बीबी तो खटिया से नीचे उतरती ही नहीं है घर में छे सात 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 नौकरानियां लगी हुई है ऐसा व्यक्ति छाती ठोक के कह सकता है कि स्त्री को नौकरी नहीं करनी चाहिए लेकिन वह प्रचारक जिसकी मासिक आमदनी पांच हजार या छह हजार है वह औसत भाई मंडली में वह औसत भाई जिसकी तनख्वाह पांच हजार से दस हजार के बीच में आजकल तो और भी कम हो गया है वो जब किराए के मकान में रहता है तो जब तक उसकी पत्नी सहयोग ना करे नौकरी ना करे परिवार का काम नहीं चल सकता है इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रिय भाइयों प्रिय बहनों ब्रिटिश लोगों ने तो हमको मूर्ख बनाया उनके तलवे चाटू भारतीय प्रचारक भी हमको मूर्ख बना रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि जब ये लोग जो बोलते हैं वो सुनते हैं तो हमारी अकल घास चरने चली गई है क्या जो हमको सच्चाई समझ में नहीं आती जो हम प्रभु के वचन को खोल कर नहीं देखते क्योंकि ये लोग प्रभु के वचन के विरुद्ध बोल रहे हैं अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई दर्जन मंडलियों ने अपने संडे स्कूल क्लोज डाउन कर दिए हैं क्यों इन प्रचारकों ने कहा कि स्त्रियां संडे स्कूल में ना पढ़ाएं सैकड़ों मसीही भवनों में जहां स्त्रियां सुबह प्रार्थना करती थीं और शाम को पुरुष अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करता था वहां स्त्रियों की बोलती बंद कर दी गई है सैकड़ों भारतीय ब्रदरण परिवारों में जब बच्चे स्कूल जाते हैं माँ उन सबको एक साथ कबाड़ के प्रार्थना करके भेजती थी इन भाइयों के प्रभाव में ये बंद हो गया है क्यों स्त्रियां प्रार्थना ना करें बच्चों के लिए भी प्रार्थना ना करें क्योंकि जिस बेटे के लिए वो प्रार्थना कर रही कल वो पुरुष बन जाएगा इन्हीं लोगों के असर में बहनों के लिए बाइबल पठन कई जगह वर्जित हो कई पतियों ने कह दिया कि बाइबल आइंदा बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं पढ़ के सुना रहा हूं मैं तुमको सिखा रहा हूं सिस्टर्स मीटिंग में सिस्टर्स का बोलना बंद हो गया है ये सब मैं याद दिलाना चाहता हूं गुलामी है और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि वे लोग हमको उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वे लोग कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं मुझे आपको उल्लू बना रहे हैं इसलिए फिर से मेरी आपसे मेरा अनुरोध है कि कम से कम अपनी बुद्धि से सोचें कि प्रभु का वचन तो इसके विरुद्ध बोलता है प्रभु के वचन में जो कहा गया है उसकी तरफ हम ध्यान दें और जैसा मैंने इसके पहले भी बोला था कड़े शब्द हैं मैं जानता हूं कड़े शब्द हैं जानबूझकर मैं बोल रहा हूं कि जब ये लोग हमको उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं तब हमारी अकल क्यों घास चरने चली जाती है हम क्यों नहीं बुद्धि से प्रभु के वचन को पढ़ते परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को एक बराबर बनाया है लेकिन उनको जिम्मेदारियां अलग दी है अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष की गुलाम है घर में और मंडली में परमेश्वर ने दोनों को कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां दी हैं जो एक बराबर हैं। लेकिन मंडली में प्रभु ने पुरुषों और स्त्रियों को ऐसी भी जिम्मेदारियां दी हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं जिनमें से कुछ जिम्मेदारियां सिर्फ पुरुष के लिए है जैसे मिक्स्ड कॉन्ग्रीगेशन जहाँ पुरुष और स्त्री बैठे हुए हैं वहां बाइबल टीचिंग का अधिकार सिर्फ पुरुष को है उसी तरह से मंडली का एल्डर बनने का अधिकार प्रभु ने सिर्फ पुरुष को दिया है लेकिन मंडली में सिर्फ एल्डर्स नहीं को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है और डीकंस के बारे में जब बात करती है करते हैं तो ज्यादातर ब्रदर असेंबलीज में डीकन का स्थान नहीं होता है एल्डर्स को डर लगता है उनका दिल धड़कता है कि दो चार को डीकन बना दिया तो कल को वो मुझे बाहर ना कर दे सत्ता के पीछे जो जो सत्ता लोलुपता जिसे कहते हैं राजनैतिक सर्कल्स में जिस तरह के सत्ता का लोभ है वही सत्ता लोलुपता आज हम ब्रदरन चर्चस में देखते हैं सत्ता लोलुपता या सत्ता के प्रति जो लोभ है उसके कारण परमेश्वर के द्वारा मंडली में रखा हुआ एक महत्वपूर्ण जो ओहदा है डीकन का वो आज लगभग सभी ब्रदरन असेंबलीज में एबसेंट है प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु ने अपनी मंडली में सेवा कार्य डीकन की जिम्मेदारी पुरुषों को भी दी है स्त्रियों को भी दी है ये हमें वापस लाना पड़ेगा लाना होगा और उसके लिए ये जरूरी है कि पुरुष केंद्रित समाज स्त्री को गुलाम बनाने की जो सोचता है और पुरुष केंद्रित समाज प्रभु का वचन मिसयूज़ करके स्त्री को दासी के रूप में प्रेजेंट करता है ये नजरिया हमारे बीच में से हटना चाहिए तीसरी बात प्रभु ने पुरुष और स्त्री सबको आत्मिक वरदान दिए हैं और सभी को अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करना चाहिए और आज चूंकि पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में मैं लगभग लगभग जो बताना था वो खत्म कर चुका हूं तो उसके बाद आ, आगे बढ़ना चाहता हूं और पुरुषों को जो जिम्मेदारियां दी हैं स्त्रियों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन दोनों को एक साथ हैंडल करने के लिए मतलब पुरुष स्त्री और मंडली आज हम मंडली के बारे में देखना चाहते हैं उसके लिए मेरे साथ पहला पत्रस चौथा अध्याय दसवां पद खोल लीजिए पहला पत्रस चार दस एक ऐसा पद है जो हम सबको याद होना चाहिए और हम सबको याद कर लेना चाहिए यहां हम देखते हैं जिसको जो वरदान मिला है यहां ये नहीं लिखा है जिस पुरुष को जो वरदान मिला है सीधे सीधे प्रभु का वचन कहता है कि जिसको जो वरदान मिला है आज मेरे ध्यान का विषय जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वो ये है कि पुरुष और स्त्री जब प्रभु की मंडली में प्रभु की इच्छा और प्रभु की बुलाहट के अनुसार कार्य करते हैं तो क्या करना है इसके बारे में प्रभु के वचन में पचासों रेफरेंस हैं इन सबको नहीं लिया एक साथ नहीं लिया जा सकता एक क्लास में इसलिए आज मैं इनमें से सिर्फ एक रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूं और एक रेफरेंस रखना समझदार के लिए इशारा काफी होता है उसी तरह से प्रभु के वचन से एक रेफरेंस हम यदि उसका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं तो बाकी तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा तो मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता था मेरा प्रस्ताव नहीं है प्रभु के वचन के आधार पर कि प्रभु ने मंडली में जो लोग हैं उनको आत्मिक वरदान दिए हैं और इन वरदानों के उपयोग के द्वारा पुरुष और स्त्री मंडली में प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं आप कहेंगे कि हे ब्रदर मैं एक बहन हूँ बड़ी नम्र और दीन बहन हूं मुझे प्रभु ने कोई वरदान नहीं दिया है फिक्र मत कीजिए बहन ऐसे बहुत सारे पुरुष भी हैं जो बिल्कुल यही कहते हैं मैं तो एक सीधा साधा अपड़ भाई हूँ मुझे प्रभु ने कोई वरदान नहीं दिया है आपको मालूम है क्या दुनिया के सबसे बड़े बाइबल स्कॉलर्स में से एक जिसका नाम ब्रदर सर्कल्स में काफी जाना जाता है स्कोफील्ड जिसके नाम से स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल चलता है स्कोफील्ड अपने जमाने के जाने माने पहुंचे हुए लॉयर थे मसीही नहीं थे विश्वासी नहीं थे एक बार किसी कारण से वो एक मसीही चर्च में फंस गए फंस क्या गए वाकई में फंस गए क्योंकि जब कॉल दिया गया तो स्कोफिल्ड वहां से खिसकने की सोच रहे थे तो एक आदमी जो देखने में कोई देहाती मालूम था वो उसकोफिल्ड को पकड़ के खड़ा हो गया और प्रभु के वचन से कई पद स्कोफिल्ड को सुनाए और पूछा कि इन पदों में विश्वास करते हो क्या तुमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है क्या फाइनली थक खार कर थकोफिल्ड को जब लगा कि इस आदमी से पिंड छुड़ाना मुश्किल है तो स्कोफिल्ड ने सोचा कि सुन ही लेते हैं एनी वे यहाँ से बच के जा नहीं सकते तो अपन सुन ही लेते हैं तो जब स्कोफील्ड ने प्रभु के वचन का वो प्रेजेंटेशन उस देहाती भाई से जो स्कोफील्ड की तुलना में कुछ भी नहीं था जब प्रभु का वचन सुना तो पवित्र आत्मा ने स्कोफील्ड के हृदय में कार्य किया उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और दुनिया में जो सर्वोत्तम स्टडी बाइबल है उसकी रचना फाइनली उसकी रचना की ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कॉलर था उसको प्रभु के पास कौन लाया उसके तुल्य कोई और स्कॉलर नहीं एक व्यक्ति जो उसकी तुलना में बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था तो यदि भाइयों में से किसी को ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु ने कोई वरदान नहीं दिया है तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ प्रिय भाई प्रभु का वचन कहता है जिसको जो वरदान मिला है जिसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को वरदान मिला है यहाँ ऐसा भी नहीं लिखा है जिस जिसको वरदान मिला है यदि ऐसा होता कि जिस जिसको मिला है तो उसका मतलब कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला ऐसा नहीं लिखा है जिसको जो भी वरदान मिला है बहने भी इस बात को याद रखें आप में से कोई ये ना कहने पाए कि मुझे प्रभु ने कोई वरदान नहीं दिया है ये बिल्कुल सोचने के का बिल्कुल गलत तरीका है प्रभु ने अपने वरदान सभी को दिए हैं भाई हो या बहन को आप पूछेंगे कि ब्रदर वरदान से आपका क्या तात्पर्य है यहाँ इसका डिटेल नहीं मिलता है लेकिन पहला कुरथियो बारवा अध्याय और अन्य जो पोर्शंस हैं जो आत्मिक वरदानों के बारे में बोलते हैं उन पोर्शंस का जब हम अध्ययन करते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करता है उस समय पवित्र आत्मा उसको एक या अनेक योग्यताएं देते हैं। ये जो एक या अनेक योग्यताएं पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार के समय प्राप्त होती हैं, ये उस व्यक्ति का आत्मिक वरदान है आत्मिक वरदान को मनुष्य की प्राकृतिक योग्यता के साथ हम कंफ्यूज ना करें आत्मिक वरदान अलग चीज है प्राकृतिक योग्यता अलग चीज है प्राकृतिक योग्यता हमें अपने माँ बाप से मिलती है आत्मिक वरदान हमको पवित्र आत्मा से अपने उद्धार के समय मिलता है ये एक आत्मिक पूंजी है जिसका उपयोग करना है आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि जब आप अपनी स्थानीय मंडली में आपके सामने जो भी अवसर आते हैं उन अवसरों का उपयोग करेंगे तब पवित्र आत्मा धीरे धीरे आप पर प्रकट करेंगे कि आपका आत्मिक वरदान क्या है मेरे साथ ऐसा हुआ मैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर मंडली का सदस्य था वहीं मेरा बपतिस्मा हुआ धीरे धीरे चर्च में जो भी अवसर मिलता था मैं उसका उपयोग करने लगा जब मैं आठवीं में था तब मलयालम से हिंदी में अनुवाद करने लगा धीरे धीरे मंडली के जो अगुए हैं उन्होंने मुझे संडे स्कूल में छोटे बच्चों का टीचर बना दिया फाइनली मुझे संडे स्कूल का इंचार्ज बना दिया तो इस तरह से मंडली में मुझे जो अवसर दिए गए थे उन अवसरों के उपयोग के द्वारा मैंने पहचाना कि मेरा आत्मिक वरदान क्या है टीचिंग प्रभु का वचन सिखाना और फाइनली जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर लगभग खत्म कर चुका था तब मंडली के जो मुख्य अगुए थे चीफ एल्डर उन्होंने एक बार घर पे आके बताया कि अगले बुधवार से लेकर आइंदा इस चर्च का बाइबल क्लास तुम लोगे मेरी तो झक्की खुल गई कहा मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के आखिर में या बीएससी एस से, सेकेंड ईयर के आरंभ में हूँ उस चर्च में तो एक से एक सीनियर लोग थे मेरे फादर जो कि न केवल एक सीनियर प्रचारक हैं एक बहुत अच्छे बाइबल टीचर हैं मैंने ब्रदर एंड विश्वास के जो फंडामेंटल्स हैं अपने फादर से सीखा है उसके अलावा जिन अंकल ने मुझसे आके कहा था कि आइंदा यहाँ क्लास तुम लोगे वो बहुत सीनियर टीचर थे और प्रभु के वचन के बहुत अधिक ज्ञाता थे मैंने जब ना नुकर किया तब उन्होंने एक बात कहा जॉनसन ये हम एल्डर्स का एक अभिप्राय है कि क्लास तुमको दिया जाए तुमको प्रभु ने टीचिंग का गिफ्ट दिया है ये ये बात हम लोगों ने पहचान लिया है और इस कारण इस मंडली में तुमको ये अवसर दिया जा रहा है कि इस वरदान को वरदान का उपयोग भी करो और वरदान को डेवलप भी करो चाहे टीचिंग का वरदान हो चाहे मंडली में साफ सफाई का वरदान हो आपको प्रभु ने जो भी वरदान दिया है उसका उपयोग जब आप पहली बार अपने चर्च में करेंगे तब चर्च के लोग इस बात को समझेंगे कि आपका वरदान क्या है और आपको और अधिक अवसर मिलेगा अपन लोग उत्तर भारत में तो संडास वगैरह की सफाई बड़ा नीचा काम समझते हैं मैं जिस चर्च में हूँ छब्बीस साल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन छब्बीस सालों में मंडली की जो बहने हैं अच्छे संपन्न परिवारों से आई हुई बहने इवेंजलिस्ट की वाइफ यहाँ तक कि हमारे मंडली के एक एल्डर का बेटा जो अच्छी खासी कमाता है बेटा और उसकी पत्नी टर्न बाय टर्न ये लोग हमारे चर्च में तीन संडा से तीनों की सफाई करते हैं बच्चे बहुत हैं अक्सर गंदा कर जाते हैं लेकिन उनको इस बात का यकीन है कि प्रभु ने उनको ये जिम्मेदारी दी है जब हम छोटी से छोटी जिम्मेदारी लेकर चर्च में जो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हमको जब दी जाती है या हमारे सामने उसका बुलावा आता है और जब हम उसको करते हैं तब उसके द्वारा हमें ये बात समझ में आती है कि हमारा आत्मिक वरदान क्या है मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि संडास की सफाई आत्मिक वरदान है मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मंडली में कोई कार्य करने का मौका आता है तब जो अवसर हमारे सामने है उसको छोटा बड़ा समझने के बदले हमको जो जिम्मेदारी दी गई है या हमारे सामने जो अवसर आया है जब हम उसका भरपूर उपयोग करते हैं तब धीरे 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 हम पर यह बात प्रकट होती है कि हमारा आत्मिक वरदान क्या है ना केवल हम पर यह बात प्रकट होती है जो लोग हमारे जीवन का निरीक्षण कर सॉरी जो लोग हमारे जीवन का निरीक्षण कर रहे हैं उन लोगों पर भी यह बात प्रकट हो जाती है कि हमारा आत्मिक वरदान क्या है जैसा मेरे साथ हुआ था मेरा आत्मिक वरदान मैं स्पष्टतया समझूं, उसके पहले मेरे चर्च के एल्डर्स ने समझा और जब समझकर उन्होंने वो जिम्मेदारी मुझे दी तब ये बात मुझे समझ में आई कि अब मुझे क्या क्या तैयारी करनी है कल मैंने आपको बताया था बी एस सी फर्स्ट ईयर में मैंने ग्रीक का अध्ययन चालू कर दिया था फर्स्ट ईयर का लगभग आखिरी स्टेज था जब ग्रीक का अध्ययन चालू कर दिया था क्यों इसलिए कि जब ये बात मुझे पता चल गई कि बाइबल अध्यापन मेरा गिफ्ट है तो अध्यापन के लिए पढ़ाने के लिए जो जो तैयारी करनी है वो सब मैं अभी से कर लूँ तो ज्यादा अच्छा होगा यह सोचकर मैंने ग्रीक का अध्यापन ग्रीक का अध्ययन शुरू किया हम में से हर व्यक्ति इस बात को जाने सबको आत्मिक वरदान मिले हैं लेकिन जब हम स्थानीय मंडली में हमारे जीवन में जो भी अवसर आता है उन अवसरों का उपयोग करते हैं तब उस उपयोग के द्वारा क्रमश हम पर और दूसरों पर यह बात प्रकट हो जाती है कि हमारा आत्मिक वरदान क्या है और कई बार दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं कि हम इस बात को पहचाने कि हमारा आत्मिक वरदान या हमारी आत्मिक बुलाहट क्या है तो जिसको जो वरदान मिला है यहां जितने भाई और बहन बैठे हुए हैं सबको याद दिलाना चाहता हूं आपको कम से कम एक आत्मिक वरदान मिला है यहाँ जितने चर्च के आगुए बैठे हुए हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जिस चर्च की अगुवाई करते हैं उस चर्च में बहनों को गुलाम ना समझा जाए गुलाम ना रखा जाए उनको उनका जो भी आत्मिक वरदान है उसका सही सही उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए बहने ध्यान दें कल को अपने पति से यह ना कहें कि संडे का संदेश अब मैं दूंगी वो ब्रदर जॉनसन बोल गए थे आपने सुना नहीं क्या नहीं उन्होंने नहीं सुना क्योंकि मैं बोल नहीं गया मैंने ये नहीं कहा कि कल से बहनों को चर्च पुलपित दे दिया जाए मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने चर्च पुलपित जहाँ पुरुष भी बैठे हुए हैं वो बहनों के लिए नहीं है और चर्च एल्डरशिप बहनों के लिए नहीं है उसके अलावा चर्च में बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं उनकी बात कह रहा हूं भाइयों यदि हम अपनी बहनों को सप्रस करते हैं उनको जूते तले रखते हैं नुकसान हमारा ही है अंग्रेज अपने देश में चला गया उसको कोई नुकसान नहीं हुआ वो ऐश करने के लिए हिंदुस्तान आया था ठाठ बाट से जिया वो भी लूट का पैसा ये मैं याद दिलाना चाहता हूं ठाठ पठ से जिया वो वहां चला गया मर खप गया लेकिन हमारी स्त्रियों को गुलाम बना गया और आज वे जो स्त्रियों की गुलामी की वकालत करते हैं मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि तलवे चाटने के कारण उनको ये हिम्मत मिली है प्रभु का वचन नहीं कहता है ये मैं बार बार बताना चाहता हूँ आज जो भी मंडली के अगुए या प्रचारक लोग जो संदेश सुन रहे हैं जरा अपनी मंडली में जो स्थिति है उसको अच्छी तरह से जांच कर मंडली में जितने बॉर्न अगेन लोग हैं पुरुष स्त्री बिना भेद के उनको अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करने के लिए मौका आप तैयार करके दे ये आपकी जिम्मेदारी है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे पद्मेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए काफी लंबा स्टेटमेंट हो गया है ना एक एक करके टुकड़ा टुकड़ा अपन लेते हैं वह उसे पद्मेश्वर के इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आत्मिक वरदान जो है वो हमारी योग्यता नहीं है हमारा श्यानापन नहीं है हमारा स्मार्टनेस नहीं है पद्मेश्वर की ओर से मिला है और यदि परमेश्वर की ओर से मिला है तो हमें डर डर के उसका उपयोग करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि हम उसका बुरा उपयोग करें और कल को हिसाब देना पड़े आप पूछेंगे कि ब्रदर ऐसा भी है कि हमने तो सुना था कि उद्धार पाने के बाद खाओ पियो मौज करो कल तो स्वर्ग जाना ही है कोई तुमसे उद्धार नहीं छीन सकता कोई उद्धार नहीं छीन सकता ये तो सही है लेकिन खाओ पियो ऐश करो ये प्रभु के वचन का उपदेश नहीं है मनमाना न जियो ये प्रभु के वचन का उपदेश नहीं है प्रभु का वचन याद दिलाता है पहला कुरंथियो तीसरे अध्याय में कि हम सबको हिसाब देना पड़ेगा और आग हमारे कर्मों को जांचेगी कि हमारा कर्म कैसा है जो सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर होगा वो तो बच जाएगा लेकिन हमने जो कर्म किए हैं उसमें घास फूस और लकड़ी जल जाएंगे इब्रानियों की पत्री छठे अध्याय में लिखा हुआ है कि भूमि जो अपने मालिक के लिए ज्योति बोई और सींची जाती है यदि वो कांटे और ऊंट कटारे उगाए तो जला दी जाती है भूमि नहीं जला दी जाती कांटे और ऊंट कटारे जला दिए जाएंगे जिसका मतलब है कि हर विश्वासी परमेश्वर से उसको जो भी मिला है चाहे आत्मिक वरदान हो या आत्मिक अवसर हो उसका दुरुपयोग करता है तो जब अग्नि के द्वारा उसकी परीक्षा होगी तब उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी इसलिए हमको जो आत्मिक वरदान मिला है वो परमेश्वर से मिला है ये ना भूलें और उसका उपयोग ये याद रख के करें कि ये पद्मेश्वर से मिला है इसलिए पद्मेश्वर के लिए इसका उपयोग करना है पिछले दिनों मुझे एक भाई ने बगल की एक मंडली है वहां से एक भाई ने बुलाया और बोला कि हमारे बड़े भाई ने अपने चर्च में एक व्यक्ति को जूम पर क्लास लेने के लिए बुलाया उसके बाद उनका अगला प्रश्न था कि बड़े भैया जूम पर संदेश के लिए आप कितना चार्ज करते हैं <laughs> मैंने सर पीट लिया मैंने कहा कि देखिए मैं कहीं भी संदेश देने जाता हूं तो पैसे के लिए नहीं जाता यदि कोई दे देता है तो जेब में डाल लेता हूं कई बार दो दो तीन तीन दिन के बाद जब वाइफ उस शर्ट को धोने के लिए जेब टटोलती है तब लिफाफा बरामद होता है तब याद आता है अरे गिफ्ट दिया था मुझे कोई अफसोस नहीं होता है क्योंकि मैं पैसे के लिए मिनिस्ट्री नहीं करता तो मेरे छोटे ब्रदर ने छोटे ब्रदर से मेरा सगा भाई नहीं मसीह में छोटे ब्रदर ने कहा कि फलने सभी लोग अपना माइक जरा ऑफ कर लें। शुक्रिया। तो मेरे छोटे ब्रदर ने बताया कि फलाने व्यक्ति ने छह लेक्चर देने के लिए अठारह हजार रुपए के करीब मांगा है मतलब प्रति लेक्चर तीन हजार मैंने कहा कि यदि प्रति लेक्चर तीन हजार रुपया मैं मांगने लगूं तो मैं तो कभी का करोड़पति हो गया होता शर्म की बात है लज्जा की बात है कि हम में से कई लोग प्रभु ने उनको जो वरदान दिया है और प्रभु ने जो पुलपित दिया है वो बार्गेनिंग के लिए मोल भाव के लिए यूज करते हैं इस बात को ना भूलें कि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया कैपिटल है इसको धन बनाने के लिए या जब इस दुनिया में है तब धनी बनने के लिए इसका उपयोग ना करें एक और मोबाइल ऑन हो गया है ऑफ कर दिया शुक्रिया हो जाता है आजकल के स्मार्टफोन जो हैं उनके साथ एक और ऑन हो गया है एक और मोबाइल ऑन हो गया ऑफ कर लीजिए आजकल के स्मार्टफोन के साथ परेशानी उसके बगल से निकल जाओ तो वो ऑन हो जाते हैं इसलिए आपकी लेकिन हमारी जिम्मेदारी है एक और फिर से ऑन हो गया है <laughs> मुझे लगता है कि आज का जो आज की शाम है थोड़ा बहुत नाटक हो जाए उसके लिए आज की शाम है यहाँ वहां स्मार्टफोन बहुत सेंसिटिव चीज है जरा संभाल के रखें अच्छा। तो आ, फिर ऑन हो गया हा <laughs> ब्रदर जगदेव अब आप एक उंगली अपने इस पर रखें क्या माउस या भाई जगदेव माउस पे हाथ रखे रहें लगातार ऑफ कर दीजिए मैं अपने आप को लगातार ऑन कर लूंगा मेरे हाथ में भी माउस है ऑन हो रहा हो आपकी गलती नहीं है स्मार्टफोन है ही ऐसी बेडंगी चीज जो जिसका अपना ही दिमाग है तो हाँ मैं ये कह रहा था कि अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग मोल भाव के लिए हम कभी नहीं करें इस बात को याद रखें ये संपत्ति परमेश्वर की है तो जिसे जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई ये अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई कहने के बदले प्रभु का वचन ऐसा क्यों कहता है कि विविध प्रकार के ये नाना जो शब्द है ये भी अंग्रेज की है हिंदी में कोई नाना शब्द का उपयोग इस तरह से करता है क्या कोई नहीं करता है विविध प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नहीं यहां विविधता इस पर प्रभु का वचन क्यों जोर देता है इसके पीछे कारण है पिछले दो हजार सालों में कुछ लोगों की हमेशा ये आदत है कि अपने आत्मिक वरदान को आसमान तक बड़ा चढ़ा कर बताते हैं और दूसरे के आत्मिक वरदान को जूते तले रखते हैं करते हैं या नहीं करते बहुत लोग करते हैं बहुत लोग करते हैं मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे बात करो तो उनके कहने का मतलब है कि मैं प्रार्थना करता हूं तो आसमान जमीन पर उतर आता है सवाल यह है कि आप यदि इतने बड़े प्रार्थना वीर हैं तो रोज शाम को आपकी बीबी से जो झगड़ा होता है उस बीबी को प्रार्थना के द्वारा सही नहीं कर पाए और आपकी जुबान जो इतनी गंदी है प्रार्थना के द्वारा आप उसे विशुद्ध नहीं कर पाए आपका लड़का जो कॉलेज के गुंडे और लुच्चों में माना जाता है उसको आप सीधा नहीं कर पाए और आपकी लड़की जिसने कॉलेज में बहुत नाम किया है उसके कैरेक्टर को सुधार नहीं पाए मुझको बता रहे हैं कि आप प्रार्थना करते हैं तो आसमान से पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है पिछले दो हजार सालों में मसीही समाज में ये एक बहुत बड़ा रोग है कि जो जुबान का चालू है वो अपने आत्मिक वरदान को बड़ा चढ़ाकर बताता है और दूसरों को हीन भावना से भर देता है प्रभु का वचन ये बताता है कि आत्मिक वरदान एक नहीं है अनेक है 21वीं शताब्दी में अन्य भाषा के बारे में जो लोग बोलते हैं वे लोग दूसरे का कान खा जाते हैं अन्य भाषा में जब से मैं बोलने लगा हूं मेरा आत्मिक जीवन बहुत गहरा हो गया गंभीर हो गया वो है ये है तमाम सारी चीजें प्रभु ने जितने आत्मिक वरदान रखे हैं ये सब प्रभु के द्वारा दी गई पूंजी है इसलिए इसमें ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के वरदान है कुछ मदद के वरदान है कुछ प्रार्थना के वरदान है लेकिन कोई भी वरदान छोटा या बड़ा नहीं है इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के विविध प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई जिसका मतलब यह है कि हमको जो आत्मिक वरदान मिला है एक या अनेक ये मेरी योग्यता नहीं है ये परमेश्वर का अनुग्रह है और यदि हम इस बात को समझ लें कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है तो आत्मिक वरदानों के बारे में किसी भी तरह से घमंड के लिए कोई स्कोप नहीं रहेगा बहुत लोग हैं जो आत्मिक जगत में अपने आत्मिक वरदान पर बहुत घमंड करते हैं लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है अनुग्रह का क्या मतलब है अनुग्रह का मतलब है हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है हमारी योग्यता के बिना कोई हमको कुछ दे रहा है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है भिकारी आपके घर के सामने आकर एक भिकारी यदि हाथ फैलाता है और यदि आप उसको एक रुपए या दो रुपए का सिक्का दे रहे हैं तो उस भिकारी से आपकी कुछ पड़ी है क्या आपकी कुछ अटकी हुई है क्या उस भिकारी को भीख देने के लिए नहीं आपकी कोई अटकी नहीं है आप नहीं देंगे कुछ नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि पांच मिनट खड़ा होकर चला जाएगा लेकिन जब हम भिकारी को देखते हैं दया करके दे देते हैं ये हमारी दया है कृपा है इसी तरह से मनुष्यों को जब परमेश्वर मनुष्य की योग्यता के कारण नहीं लेकिन मनुष्य पर दया करके जब परमेश्वर उसे कुछ देते हैं वो है अनुग्रह जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा आत्मिक वरदान ना केवल परमेश्वर की पूंजी है मेरी नहीं है उसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं है ये परमेश्वर का अनुग्रह है आज आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार याद दिला दूं जो भाई और बहन लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से हर व्यक्ति को यदि आज तक आपने अपने आत्मिक परदानों को नहीं पहचाना है या यदि उनकी उपेक्षा की है तो इस बात को याद रखें कि आपकी मंडली यदि आत्मिक रूप से शोषित हो रही है आत्मिक रूप से यदि वो दरिद्र है तो उसका कारण यह है कि आप अपने आत्मिक वरदान का उपयोग नहीं कर रहे हैं पुरुष और स्त्री और मंडली का मतलब यह है कि हर पुरुष और स्त्री इस बात का निर्णय ले ले कि मैं अपने आत्मिक वरदान का उपयोग अपनी स्थानीय मंडली के पोषण के लिए जरूर करूंगा आज से लगभग पांच साल पहले की बात है मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था उसमें एक बुजुर्ग थे अस्सी साल के उन्होंने मुझसे कहा कि जॉनसन इस मीटिंग के बाद मुझे जरा स्टेशन पर ड्रॉप कर देना मैंने कहा कि ऐसी क्या जल्दी है भागने की मीटिंग खत्म हमारे साथ अटेंड कीजिए कैंप है रात हमारे साथ स्पेंड कीजिए हमको अच्छा लगेगा रात को आपसे आपका अनुभव सुनने उन्होंने कहा कि जॉनसन हमारी मंडली में यदि मैं ना पहुंचू तो संडे को प्रभु बोझ उठा के देने के लिए कोई नहीं है प्रभु का वचन सुनाने के लिए कोई नहीं है मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि अंकल ये चर्च कितने साल पुराना है तो उन्होंने कहा कि पचास साल पहले जब मैं नौकरी के लिए वहां पहुंचा था तब कुछ विश्वासियों की मदद से हमने एक चर्च चालू किया पचास साल पुरानी चर्च केरल जैसे प्रदेश में जहां टेम्परेचर 36 डिग्री के ऊपर नहीं जाता, जाता वहां पर साउंड प्रूफ और एयर कंडीशन चर्च मैं देख चुका हूं उस चर्च को लेकिन 50 साल में एक व्यक्ति को आप ट्रेन नहीं कर पाए जो प्रभु का वचन खोलकर चार शब्द लोगों को बता सके एक व्यक्ति को ट्रेन नहीं किया जो प्रभु बोझ के लिए प्रार्थना करके वो दूसरों को दे सके गलती किसकी है प्रभु की नहीं है प्रभु हर चर्च में आत्मिक वरदानों का जो वैविध्य है या जो विविधता है वो देते हैं गलती आपकी है जो आपने लोगों को सप्रेस किया सर उठाने नहीं दिया आज जो पुरुष और स्त्री जो भाई बहन सुन रहे हैं उनमें से भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं यदि पूछा जाए कि फलाने भाई का व्यवहार मंडली में अन्य विश्वासियों के प्रति कैसा है तो विश्वासियों का जवाब यह होगा कि अरे फलाने भाई बाप रे मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता वो तो जबरदस्ती पीछे पड़े रहते हैं कि तुमको ये करना है तुमको ये करना है तुमको ये करना है और मैं तो उनसे नजर बचा के कई बार बाथरूम में घुस जाता हूं और जब बाहर निकलता हूं तो वो तो वही बाहर ही खड़े मिल जाते हैं कि मुझसे बचने की कोशिश मत करो ये काम तुमको करना है ऐसे भी हैं लीडर्स जो ढूंढ ढूंढ के लोगों के आत्मिक वरदानों को समझकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे भी हैं जो सपेरे के समान सांप को हमेशा बंद किए रखते हैं आदेश यह है कि जब हम तुमको टोकरी से बाहर निकालेंगे तभी निकलोगे और जब हम बीन बजाएंगे तभी सिर हिलाओगे उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है आज जो भाई लोग सुन रहे हैं उनमें से जिन लोगों के ऊपर चर्च की जिम्मेदारियां उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जो चर्च दिया गया है उसमें परमेश्वर ने पुरुषों को और स्त्रियों को विविध प्रकार के वरदान दिए हैं उन वरदानों के उपयोग के लिए एक अनुकूल एक फेवरेबल स्थिति आप बनाते हैं या लोगों को दबा दबा कर रखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरा स्थान मेरे हाथ से छिन जाए कितने साल के लिए कितने साल रहेंगे आप इस दुनिया में औसत हिंदुस्तान में पुरुषों की और स्त्रियों की औसत उम्र सिर्फ पैंसठ साल है जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोग सत्तर अस्सी होते होते खत्म हो जाएंगे कहे के लिए पकड़ रखा है ये ये क्या करेंगे इसको अपने साथ ले जाएंगे क्या हम जो चीजें अस्थाई हैं उनके प्रति कितने कितने लोलुप हैं ये बात एक बार मुझे बहुत विचित्र तरह से समझ में आई मैं एक्चुअली ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था बिना रिजर्वेशन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था जगह काफी थी दो लोग एक पूरा का पूरा बेंच घेरे हुए बैठे थे किसी को बैठने नहीं दे रहे थे दो हिजड़े आए नहीं बैठने दिया मैंने क्या किया देखिए मसीही लोगों को हिजड़ों के प्रति बहुत दयालु होना चाहिए मैं अपनी जगह से उठा सामने के बेंच पे ठस लिया कुछ नहीं कर पाए वो लोग क्योंकि एक बेंच पे चार चार पांच पांच लोग बैठ सकते हैं हिजड़ों से कहा कि मेरी सीट पे बैठ जाओ तो ग्वालियर से चलते में वो हिजड़े मेरी सीट पे बैठ गए मैं उन दो लोग जो सीट घेरे बैठे थे उनके बीच में बैठ गया आगरा पहुंचे तो वो दोनों उठे और उतरने लगे तो उसमें से एक हिजड़ा बोला अरे जा कहां रहे हो ये सीट भी उखाड़ के अपने साथ ले जाओ अचानक मुझे शौक लगा सच है जो सीट हमारा नहीं है ना हमारे बाप का है और जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है जिसपे चार चार पांच पांच लोग बैठ सकते हैं उस पे ये दोनों ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि जीना उस सीट के साथ है मरना उस सीट के साथ है और इसलिए उस हिजरे ने जो कहा था उसने जो कहा था वो आज से लगभग तीस साल पहले की बात है तीस साल के बाद भी मेरे मन से वो नहीं हटा है उखाड़ के ले जाओ अपने साथ जो पुरुष प्रभु का वचन आज सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी मंडली में किसी को बढ़ने नहीं दिया है उनसे मैं पूछना चाहता हूं मंडली को उखाड़ के ले जाओगे क्या जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे तो मंडली को उखाड़ के तुम्हारे ताबूत में रख दिया जाएगा क्या बहुत सावधानी से प्रभु के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को हम जाने पहचाने और उसका उपयोग करें प्रभु ने नाना प्रकार के विविध प्रकार के अनुग्रह को रखा है उसका उपयोग करना और दूसरों से उसका उपयोग करवाना हमारी जिम्मेदारी है जिसको याद करते हुए अगला शब्द है अनुग्रह के भले भंडारियों के समान ये प्रभु का अनुग्रह है इसलिए हम उसे दबा के स्वार्थ के साथ अपने पास रखने के बदले दूसरों को पुश करें कि वे लोग अपने आत्मिक परदानों का उपयोग करें उखाड़ के कोई नहीं ले जाएगा ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं भंडारी के समान भंडारी शब्द अपन जनरली यूज नहीं करते लेकिन उत्तर भारत में मुनीम शब्द का उपयोग तो हर जगह होता है आज से लगभग अड़तीस एक साल पहले जब मैं एक विद्यालय में काम करता था तब एक बार स्कूल के लिए काफी कुछ चीजें खरीदनी थी तो वहां के बहुत बड़े हार्डवेयर स्टोर में गया तो रे क्या स्वागत किया गया वो आदमी मुझे ले गया क्या चाहिए क्या चाहिए क्योंकि वो समझ गया था कि सबसे बड़े स्कूल से आया है तो काफी खरीददारी होगी सब कुछ दिखाया जब सब खरीद लिया तो उसने कहा कि सर वो लोग बिल बना दें पैक कर दें तब तक मैं आपको अपना स्टोर हाउस दिखाता हूँ मैं तो आसमान से गिरा मैं कौन लेकिन मुझे ले जाके उसने सारा स्टोर हाउस दिखाया इतना बड़ा भंडार ग्रह हार्डवेयर का मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था उसके बाद वो लाके आसन पर बैठाया उसने और उसने कहा लाओ कुल्फी लाओ बाकायदा कुल्फी आई उसने खाया मुझे खिलाया मुझे लगा कि बाप रे कितना दीन मालिक है मैंने उससे पूछा कि आपने इस दुकान की स्थापना कितने साल पहले की उसने कहा कि सर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दुकान का मालिक हूँ मैं मालिक नहीं हूं मैं मुनीम हूँ रे मैं आसमान से गिरा मुनीम था लेकिन वो इस तरह से व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो मालिक हो और उस दुकान में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी हो और जब उसने देखा कि बड़े स्कूल से आया है तो उसने तो ठान लिया कि ये तो हमें इन भाई साहब को और इनके स्कूल को परमानेंट कस्टमर बना के यहाँ से भेजना है यह है एक मुनीम की जिम्मेदारी यह है एक मुनीम का व्यवहार प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के अनुग्रह के भंडारियों की नाई मतलब मुनीमों की नाई उसका उपयोग करें करते हैं क्या यहां एक शब्द भंडारी से पहले आया है यह शब्द आपने देखा क्या प्रभु का वचन सीधे सीधे कह सकता था कि परमेश्वर के विविध प्रकार के अनुग्रह के भंडारियों की नई सेवा में लगाओ भले शब्द को क्यों जोड़ दिया प्रभु के वचन में एक अक्षर भी बिना कारण नहीं है मैं बोल रहा था ना कि ये मोबाइल फोन बड़ा गड़बड़ करता है मैं इसको ऑफ करना भूल गया अब ये आवाज कर रहा है अच्छा अः भला शब्द वहां पे क्यों लगाया इसके पीछे भी एक कारण है एक मुनीम भला भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है प्रभु के वचन में ही हमको इसका उदाहरण मिलता है आपको याद है एक बार प्रभु ने कहा था कि एक दास वो मुनीम था उसके बारे में खबर मिली कि वो मालिक की संपत्ति उड़ा रहा है उससे कहा के हिसाब दो एक को बुलाया अरे सुनो पचास मन तेल लिया था हाँ एक काम करो वो पेपर इधर लाओ फाड़ दो लिख दो कि तीस मन उसको खुश कर दिया एक और को बुलाया कि सुनो तुम यहां से सौ मन गेहूं ले गए थे हाँ एक काम करो वही खाता लो काट के उसको पचास मन कर दो यह है धोखेबाज सर्वेंट बुरा सर्वेंट उसके अलावा अच्छे दासों के बारे में भी प्रभु के वचन में लिखा हुआ है वहां लिखा है कि अच्छा दास वो है जो अपने साथियों का ख्याल रखता है और इतना ख्याल रखता है कि फाइनली जब स्वामी आएगा तो उस दास को देख के कहेगा कि अब तू बैठ जा मैं तेरी सेवा करूंगा जब प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग भले भंडारी के रूप में करना है तो इन दोनों में तुलना की गई है हम भले भंडारी हैं या बुरे यदि आप अपने चर्च में अपने की सुरक्षा के लिए दूसरों को सप्रस करते हैं दूसरों को अवसर नहीं देते तो आप भले भंडारी नहीं है निकम्मे भंडारी हैं और मैं दो बात आपको याद दिलाना चाहता हूं नंबर वन आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर जो भी इस दुनिया में आया उसे जाना पड़ेगा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कल आपको भी जाना पड़ेगा जाते समय चर्च उखाड़ के अपने साथ नहीं ले जाएंगे दूसरी बात यदि आप बुरे कुकर्मी और नीच भंडारी के रूप में दूसरों को सप्रस करते हैं तो याद रखें आपको नुकसान होगा और कई बार ये देखा गया है कि आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा प्रभु के वचन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका यदि कोई उल्लंघन करता है तो ना केवल उसकी बर्बादी होती है उसके परिवार की भी बर्बादी होती है इसको कभी ना भूलें कभी भी ना भूलें इसका सर्वोत्तम उदाहरण है एली एली का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था लेकिन नंबर वन खाऊ आदमी था परिणाम क्या हुआ उसके लड़के लुच्चे हो गए और पवित्र आत्मा का रेवलेशन या परमेश्वर का वचन आया कि एली के बच्चों के साथ या एली के परिवार के साथ मैं जो करूँगा उसको सुनने वालों के कान झनझना जाएंगे मुझे यकीन है कि आप में से लगभग सभी लोगों ने दिवाली या इस तरह के मौके पर असामान्य साउंड करने वाला बम फटता हुआ देखा होगा कुछ समय के लिए कान झंझना जाते हैं ये प्रयोग है जो प्रभु के वचन में हम देखते हैं एली ने जीवन में जो चॉइस किया था उसका परिणाम क्या हुआ उसके बच्चे भी बर्बाद हो गए उसका परिवार बर्बाद हो गया और इतने भयानक तरीके से बर्बाद हुआ कि प्रभु कहते हैं सुनने वालों के कान झनझना आ जाएंगे इसलिए परमेश्वर ने आपको जिन चीजों का भंडारी बनाया खासकर आगुए लोग वे भले भंडारी के समान कार्य करें आगे हम देखते हैं भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं हम हिंदुस्तानियों के लिए सेवा एक बहुत कठिन काम है हमारी आदत है हम अपने आप को बड़ा चढ़ा के देखते हैं केरल में हाथी बहुत होते हैं तो जिनको घमंड है उनके बारे में कहा जाता है कि अरे हाथी के ऊपर बैठ बैठ के हमारे आसन में छाला हो गया है घमंड का उदाहरण कि हाथी के ऊपर से उतरने का मौका नहीं मिल रहा है हम में से कई लोग इसी नजरिए से आगे बढ़ते हैं सेवा बहुत मुश्किल काम भारतीय व्यक्ति के लिए खासकर भारतीय मसीही मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन ले मैं तीन स्टेप बोलूंगा एक भारतीय के लिए एक भारतीय मसीही के लिए खासकर भारतीय ब्रदरन विश्वासी के लिए दूसरे विश्वासी की सेवा करना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि आत्मिक वरदान इसलिए दिया है कि हम सेवा करें जो भाई लोग सुन रहे हैं वे भी इस बात का ध्यान रखें जो बहनें सुन रही हैं, वे भी इस बात का ख्याल रखें कि हम में से हरेक को स्थानीय मंडली में अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करना है और जब हम उपयोग करते हैं तो सेवा भाव के साथ उसका उपयोग करें उत्तर भारत में कई सारे करोड़पति अरबपति पति ब्रदरन लोग हैं मैं कईयों को जानता हूं इनमें से किसी ने कभी गर्मी के दिनों में प्यासे को पानी देने के लिए कोई प्याऊ लगवाया है क्या उत्तर भारत में सब जगह प्याऊ दिखते हैं अब कम हो गए हैं लेकिन मुझे याद है मेरे बचपन में जब हम स्कूल से तीन तीन चार चार किलोमीटर पैदल चल के जाते थे तो कम से कम दो प्याऊ पे रुककर पानी पीते थे ये प्याऊ कौन लोग लगवाते थे सेठ लोग जिनके पास काफी इनकम है वे उनको इनकम जो मिल जो उनक, उनको जो इनकम मिली है उसमें से एक हिस्सा धन्यवाद देने के लिए प्याऊ लगवा देते हैं या परमानेंट प्याऊ बनवा देते हैं इनमें से कई सेठों को मैं जानता हूं इनमें से कईयों के बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं और इनका इनकी इनकम कितनी है मैं जानता हूं इनकी तुलना में दस दस गुना ज्यादा अमीर लोग ब्रदरन इवेंजलिस्ट लोग इस समय उत्तर भारत में है ब्रदर्न विश्वासी लोग भी हैं जो व्यापार करते हैं इनमें से कभी किसी ने कोई धर्मशाला बनाई है क्या कोई प्याऊ लगवाया है क्या कोई अस्पताल बनवाया है क्या सेवा भाव ब्रदरण लोगों के लिए वैसा ही है जैसे शैतान को सूली दिखाई गई वो कहते हैं नॉवेल्स वगैरह में कि शैतान को सूली दिखाओ वो ऐसा भाग जाता है सर पे पैर के कि कुछ पूछो मत सेवा भाव के बारे में हमारे हमारी आदत कुछ वैसी ही है प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हमें आत्मिक वरदाना का उपयोग एक दूसरे की सेवा के लिए करना है ये अपने आप में बहुत व्यापक विषय है और परमेश्वर के वचन में ही कम से कम चार पोर्शन हैं जो इसके बारे में डायरेक्टली बोलता है और कम कम से कम दस बीस और पोर्शन जहां इनडायरेक्टली इसके बारे में बोला गया है इस कारण बहुत ज्यादा डिटेल ना होते हुए भी ग्यारहवें पद में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है जिसको हम देखेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा है जो जो अध्ययन किया है इसके उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा डिटेल दिया है ग्यार पद यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है अनुवाद में थोड़ी सी गलतफहमी होने की संभावना इसलिए मैं उसको दोबारा उसको मैं स्टेटमेंट आपके सामने बोलना चाहता हूं यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर की वाणी है आप कहेंगे कि ब्रदर ऊपर कहा आप उज, बहुत ऊपर की कौड़ी ले आए ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बोले तो ऐसा बोले कि वो परमेश्वर की वाणी है जी हाँ मैं आपके सामने सौ मसीही भाइयों को खड़ा कर सकता हूं या बहनों को भाई बोल रहा हूं बहने ना सोचे कि ऐसी बहने नहीं ऐसी बहनों को आपके सामने हाजिर कर सकता हूं जो हुए थे और जो आज हैं हमारे बीच में जो जब मुंह खोलते हैं तो उसको सुनने के लिए लोग तरसते हैं क्योंकि वो बोलते हैं तो उसमें ऐसी कृपा उनकी वाणी में ऐसी कृपा और ऐसी दया होती है कि लोग उसको सुनते ही रहना चाहते हैं मैं ऐसे कई मसीही लोगों को जानता हूं जो जहां नौकरी करते हैं वहां गैर मसीही लोग उनसे सुझाव लेने के लिए आते हैं परामर्श लेने के लिए आते हैं क्यों आते हैं इसलिए कि उनको इन गैर मसीहियों को मालूम है कि ये बहन यदि बोलती है तो हमको ऐसा लगता है जैसे भगवान की वाणी सुन रहे हैं ये भाई सुझाव देते हैं परामर्श देते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने ही हमको वो परामर्श दिया है प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यदि एक विश्वासी अपने आत्मिक आत्मिक का सही उपयोग करे तो उसकी बोली इस तरह से बदल जाती है कि सुनने वाले को लगता है कि यह परमेश्वर की वाणी है ऐसा है क्या जरा आज हम अपने आप को जांचें मैं बहुत दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं कोविड से पहले लगभग चार साल हम कई भाई लोग हाउस टू हाउस गॉस्पल देने के लिए जाते थे हाउस टू हाउस मिनिस्ट्री तीन लोगों ने आरंभ किया लेकिन आखिर होते होते आठ नौ आठ नौ भाई थे दो दो के ग्रुप में हम घर घर जाकर ट्रैक्ट और गॉस्पेल देते थे अक्सर किसी ब्रदरन या पेंटिकॉस्टल भाई के घर के पास गॉस्पेल देने में हमारा दिल धड़कता था जानते हैं क्यों ब्रदरन या पेंटिकॉस्टल लोगों के घर के आसपास किसी व्यक्ति को गॉस्पेल दिया जाता था तो अक्सर लोग उसको मना कर देते थे हमको नहीं चाहिए उनका मैं लेकिन बहुत नम्रता के साथ कोई भी इस तरह से कहता था तो नम्रता के साथ पूछता था भैया एक पर्ची मैं दे रहा हूं इसको आप ना चाहे तो बाद में फाड़ के फेंक दीजिए लेकिन मैं आपके द्वार पर आया हूं इसको ग्रहण कर लीजिए तो अक्सर उनका उत्तर होता था पहले जाकर अपने लोगों को बताओ कि उनको उद्धार की जरूरत है जहां पर ब्रदरन पेंटिकॉस्ट लोग रहते हैं अक्सर उनकी गवाही इतनी बुरी होती है कि अगल बगल के लोगों से यदि प्रभु यीशु का शुभ संदेश बोला जाता है तो कहते हैं भैया पहले ईसा मसीह का संदेश उनको दे दो ईसा की जरूरत उनको ज्यादा है हमको बाद में है वो बदल जाए तो तब हमको यकीन होगा कि ईसा के द्वारा जीवन में बदलाव आ सकता है प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम सिर्फ बोल रहे हैं तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जैसे परमेश्वर की वाणी है यदि हम अपने आत्मिक वरदानों का प्रॉपर यूज करते हैं तो ऐसा हो जाएगा क्रमश एकदम से नहीं क्रमश हो जाएगा यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है सेवा बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है जिसको सेवा का वरदान मिला है मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोग आपकी सेवा शुश्रुषा चाहेंगे कभी पलटकर एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोलेंगे जिस युग में आज से दो हजार साल पहले जब कोड लाइलाज हुआ करता था आज भी कई प्रकार के कोड़ का इलाज नहीं है लेकिन 2000 साल पहले तो लाइलाज था उस समय जब प्रभु यीशु की बस वाणी से प्रभु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ दसों चंगे हो गए उसमें से नौ लोग वापस नहीं आए जो लाइलाज बीमारी है उससे पूर्ण चंगाई मिलने के बाद जाकर प्रभु से एक शब्द प्रभु आपकी दया है नहीं बोला तो यदि आपको प्रभु ने दूसरों की सेवा का वरदान दिया है तो एक बात याद रखें मनुष्य की शक्ति से करेंगे तो दो दिन में आप थक जाएंगे और कहेंगे कि ये रही तुम्हारी धर्मशाला मैं चला इसलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि आत्मिक वरदान यदि आपको सेवा का वरदान मिला है तो आप अपने शरीर की शक्ति से नहीं उस शक्ति से करें जो परमेश्वर देते हैं जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो हमको जो आत्मिक वरदान दिए गए हैं उनका उपयोग इस तरह से करना है कि सब बातों में सब बातों में मीन्स मनसा हम जो सोचते हैं वाचिया हम जो बोलते हैं कर्मणा हम जो करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो नहीं परमेश्वर परमेश्वर की महिमा नहीं कहा गया है परमेश्वर की महिमा नहीं कहा गया है यहाँ लिखा गया परमेश्वर की महिमा प्रगट हो हम अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रगट करें मैंने जितनी बातें बताई उन सब का सारांश अब जरा आपके सामने रखना चाहता हूं नंबर वन आदि में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया जो कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया इस कारण मनुष्य पापी हो गया इसके बावजूद उसके मन में जो कुछ होता है आता है वो बुरा है इसके बावजूद परमेश्वर का स्वरूप अभी भी उसमें है और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करके उस व्यक्ति के मन को रूपांतरित करता है रोमियो अध्याय एक और दो चूंकि उसके मन में रूमपांतर हो रहा है इस कारण उसके जीवन के द्वारा सब बातों में प्रभु यीशु की महिमा हो सकती है उसके लिए परमेश्वर ने सबसे पहले उसको पूंजी दी है आत्मिक वरदानों के रूप में इन आत्मिक वरदानों का उपयोग जब वो अपनी स्थानीय मंडली में करता है तब उस पर यह बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर ने मुझे क्या वरदान दिया है किस कार्य के लिए बुलाया है और जब स्थानीय मंडली में ये बात स्पष्ट हो जाती है उसके बाद उसका और अधिक व्यापक उपयोग हो सकता है जैसा मैंने कहा मेरा वरदान टीचिंग है मेरी मंडली के एल्डर्स ने उसको पहले पहचाना उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किए एक से एक बड़े दिग्गज बैठकर मेरा क्लास जब अटेंड करते थे तब मन में बड़ी ग्लानी होती थी इस कारण मैंने सोचा कि ऐसा सीखो अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि मैं उन लोगों के योग्य हो सकूं। इस तरह से मैंने प्रभु के वचन का गहन अध्याय अध्ययन आरंभ किया हम जब अपनी स्थानीय मंडली में अपने आत्मिक प्रदानों का जो अवसर मिलते हैं उनका उपयोग करते हैं तब अपने आत्मिक प्रदानों को पहचानेंगे जब आत्मिक वरदानों का उपयोग करेंगे तब उसका व्यापक उपयोग होगा अपने चर्च में ट्रेनिंग के बाद मुझे और चर्चस में मौका मिलने लगा हमारे आत्मिक वरदानों के उपयोग के लिए इसको याद रखें स्थानीय मंडली में जो मौके मिलते हैं जब हम उनका उपयोग करेंगे तब ये स्पष्ट होगा कि हमारा आत्मिक वरदान क्या है जब स्थानीय मंडली में हम अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करेंगे तब प्रभु हमको ट्रेन करेंगे और अन्यत्र हमारा उपयोग करेंगे इससे संबंधित दो बातें महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताई थी पहली बात यह है कि मंडली के जो अगुए लोग हैं वे लोग अपनी मंडली में लोगों को उनके आत्मिक प्रदान का उपयोग करने के लिए भरपूर अवसर प्रदान करें लोगों के आत्मिक वरदान को ढूंढ ढूंढ कर पहचाने और उनको प्रोत्साहित करें नहीं करेंगे तो याद रखें आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर ये चर्च अपने साथ आप नहीं ले जा सकेंगे जब आपको दफनाया जाएगा तो चर्च भी उसी कबर में नहीं डाला जाएगा चर्च ही रहेगा लेकिन प्रभु के सामने जब आप हिसाब देंगे और प्रभु पूछेंगे कि जॉनसन फिलिप फलाने चर्च की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी तुमने कितने लोगों को प्रोत्साहित किया तुमने कितने लोगों को ट्रेन किया तुम्हारे कारण कितने लोग लीडरशिप में आए इस कारण जो लीडरशिप में है उन भाइयों से मेरा अनुरोध है खासकर हम चूंकि ब्रदर है हमारा एक विशेष गुण है कि दूसरा भाई सर उठाए ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद है हम अपने इस गुण या दुर्गुण को अलग अलग हटाकर रखकर अपने चर्चस में आत्मिक वरदानों के उपयोग के लिए अनुकूल फेवरेबल स्थिति पैदा करें नंबर दो हम जिनके गुलाम थे वे हमको जो शिक्षा दे गए हैं जिसके कारण हमारी स्त्रियों को गुलाम समझा जाता है उनको प्रभु ने जो दिया है उसका भी उपयोग करने के लिए हम अवसर नहीं देते ये स्थिति बदलनी चाहिए उनको जो भी अवसर प्रभु ने दिया है उसका भरपूर उपयोग करने के लिए भी अपनी अपनी मंडली में अनुकूल एक अवसर पैदा करना हमारे लिए जरूरी है प्रभु मदद करे बहनों से मुझे एक बात कहनी है वो यह है कि आज रात से घर पे झगड़ा ना स्टार्ट कर दे वो जॉनसन ब्रदर बोल गए हैं और अगले संडे तो पुलपित पे मैं संदेश दूंगी ऐसा मैंने नहीं कहा है और यदि आपको मेरा संदेश सुनने के बाद झगड़ा करने का मूड है तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा नहीं आपका पाप स्वभाव आप पर नियंत्रण कर रहा है इन बातों को समझकर आपके चर्चस में एक फेवरेबल स्थिति पैदा हो उसके लिए पति से झगड़ा करें नहीं एलर से झगड़ा करें जी नहीं प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन लोगों का मन उन लोगों के मन बदलने के लिए उनको प्रोत्साहित करें जिससे कि आपको एक अनुकूल स्थिति मिल सके मुझे इन तीन दिनों के क्लास लेने के लिए महिलपुर की मंडली ने और खासकर भाई जगदेव ने व्यक्तिगत रूप से जो निमंत्रण दिया उसके लिए मैं मंडली का और भाई जगदेव का बहुत आभारी हूँ भाई जगदेव से पहली बार जो, जो मुलाकात हुई उस तब से ही मुझे कुछ पता नहीं क्यों उनका व्यक्तित्व तो बहुत पसंद आया उनसे बहुत स्नेह हो गया प्रिय भाई प्रभु ने इस तरह से मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार गुजार हूँ प्रभु आप पर आपकी मंडली पर और उसके अलावा जितने भाई बहन प्रभु का वचन सुन रहे थे सबको अपना अनुग्रह दे प्रभु के नाम की स्तुति हो